बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी शेयरिंग विद द पीपल हिज गवर्नमेंट्स अचीवमेंट्स एंड 77वां स्वतंत्र दिवस आज देश मना रहा है। विश्व विजय तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। और देखिए, इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने 10वीं बार तिरंगा फहराया है और कई बातें इस वक्त उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कही। आ गया है भारत अपने तन मन में नई शक्ति भरता, नई चेतना लाता। ये है प्रबल प्रचंड प्रबुद्ध भारत, ये है कामयाब भारत, ये है नई उमंग और नए उल्लास से भरा भारत। जो चल रहा है क्योंकि नई मिसाल है, जो जल रहा है क्योंकि नई मशाल है, जो बढ़ रहा है क्योंकि नया कमाल है। हमारा देश आज आगे बढ़ रहा है, अंतरिक्ष में तिरंगा फहरा रहा है। अब शिखर पर पहुंचने के लिए भारत देश राह पर चलता नहीं है, अपितु राह का निर्माण करता है। निर्माण कर जीवन घड़ी निर्माण। इस पुण्य पथ पर बड़ अभय तुम में अमर प्रतिभा भरी। कंचन बने जो कुछ हुए अपने घरों ने तू बना, तट है बड़ा रेता घना, संसार भी तो देख ले, रमणीय तेरी कल्पना। निर्माण का आनंद ले, निर्माण कर। जागा हुआ भारत है अब, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट की भावनाओं से भरा हुआ भारत है अब। अब भारत सभी चुनौतियों से लड़ने को तैयार है, अपनी सुरक्षा को दुरुस्त करना जानता है, अमन का संदेश पूरे विश्व को सुनाना चाहता है और सभी रुकावटों से निपटना भी जानता है। कहते हैं जिस देश के लोग सपनों को साकार करने में जुटे हों वो उपलब्धियों को शीघ्र ही हासिल कर लेता है। आज तीव्र गति से भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर और बुलंदियों को हासिल कर रहा है। तभी तो विश्व धरोहर पर भारत को नई पहचान मिल चुकी है। आज भारत ने ऐसे क्षेत्रों में अपनी नई पहचान बनाई है जहां दुनिया कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अपने कठोर परिश्रम लगन और मजबूत इरादों से भारत देश ने पिछले 76 वर्षों में विश्व स्तर पर अपनी नई पहचान बनाई है। जीवन शक्ति से भरा भारत निरंतर बढ़ रहा है, अपने आप में नया हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की धारणा को पूर्णता प्रधारित करते हुए भारत देश की विकास यात्रा तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और सारी दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। नई जागरण नई किरण नई प्रगति नई सृजन हम, विश्व दृश्य के परिवर्तन हम, नई सदी के द्वार खड़े हम, लिए इरादे बड़े बड़े हम, नई शक्ति कर रहे वरण, नई जागरण नई किरण। आज सभी देशवासियों का भाव एक है, सोच एक, संकल्प एक, लक्ष्य एक। हमारे हौसलों को हुनर ने तराशा है, हमारी प्रतिभा को दुनिया ने सराहा है। जुड़े मन से गढ़े नए सपने, बढ़े उस रास्ते जहाँ देश की प्रगति सर्वोपरि हो। कदम कदम पर चट्टाने खड़ी है, लेकिन जो चल निकले हैं दरिया तो फिर नहीं रुकते। हवाएं कितना भी टकराएं आंधियां बनकर, मगर घटाओं के परचम कभी नहीं झुकते। भारतवासियों याद करना है आज हमें हमारा प्रण, ये हैं। आज देश 77वां आजादी का दिवस मना रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी भी आप देख पा रहे हैं लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने के बाद अब उनका जो लश्कर है निकल रहा है। लेकिन इसी के साथ कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आज देश को कही हैं। 140 करोड़ देशवासियों को बधाई दी। इतना बड़ा देश, 140 करोड़ मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन आज आजादी का पर्व मना रहे हैं। मैं कोटि-कोटि जनों को, देश को, दुनिया को, भारत को प्यार करने वाले सभी का सम्मान करता हूं।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तमाम बातें कही गई हैं। पीएम के द्वारा आज 15 अगस्त महान क्रांतिकारी श्री अरबिंदो को उन्होंने याद किया। अरबिंदो की 150वीं जयंती पूर्ण हो रही है। ये वर्ष स्वामी दयानंद सरस्वती के 150वीं जयंती का पर्व है। तो देखिए, आज आजादी के रंग में पूरा देश सराबोर है और इसी के साथ साथ वो तमाम बातें भी हम आपको बता रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने आज देश को संबोधित करते हुए कई गहरी और गंभीर और सबसे जरूरी बातें कही हैं। ये भी कहा कि आज 26 जनवरी मनाएंगे तो हमारे गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ होगी। मैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने वाले तमाम बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसी के साथ प्राकृतिक आपदा में जाने वाले और जो जान गंवाई है उन तमाम लोगों को, तमाम वीरों को याद किया। इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के अनेक हिस्सों में अल्पकालीनीय संकट पैदा किए, जिन परिवारों ने इस संकट को सहन किया मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। राज्य केंद्र सरकार मिलकर उन सभी संकटों से मुक्त होकर तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ेंगे, विश्वास दिलाता हूं। इसी के साथ साथ मणिपुर का मुद्दा, जी हां, मणिपुर का मुद्दा जो कि विपक्ष ने इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की, विश्वास प्रस्ताव तक लाया गया जिस पर संबोधन किया गया। और आज एक बार फिर से पूर्वोत्तर में, विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला उस पर अपनी बात रखी। कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, माँ बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। मणिपुर के लोगों ने कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है उसको आगे बढ़ाएं, शांति ही समाधान का रास्ता निकलेगा। केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर उन समस्याओं को समाधान से भरपूर प्रयास कर रही हैं, करती रहेंगी। इसी के साथ ये भी कहा कि किस तरीके से देश आज़ादी का गर्व तो कर ही रहा है, इसी के साथ साथ किस तरीके से विकास के पथ पर अग्रसर है, ये तमाम बातें आज प्रधानमंत्री ने कही। 1000 साल की गुलामी के बाद देश सवर रहा है, हमारा देश बदल रहा है। वीरों ने इस कालखंड में कोई भूभाग ऐसा नहीं था, कोई समय ऐसा नहीं था जब उन्होंने देश की आजादी के लौ को जलता ना रखा हो। माँ भारती बेड़ियों से मुक्त होने के लिए उठ खड़ी हुई, जंजीरों को झकझोर रही थी। देखिए, इसी के साथ वो तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से स्कूल के बच्चों से प्रधानमंत्री मोदी मिल रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री की खूबी ही है जब वह सीधे आम जनता से सरोकार करते हैं। तो अति उत्साहित बच्चे भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। तो आजादी के जश्न में देश डूबा हुआ है, बच्चों से यहाँ पर बातें करते प्रधानमंत्री इस वक्त नजर आ रहे हैं। और इसके साथ यूं कहें कि जैसे जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत पसंद करते थे, ठीक उसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की भी छवि कुछ ऐसी ही है जब उन्हें बच्चे भी बहुत सराहते हैं, उनको पसंद करते हैं। देखिए, बच्चों से अक्सर वो बात करते नजर आते हैं। तो आज यही नजारा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, एक अलग ही जोश प्रधानमंत्री में इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा। वाकई में देश के लिए एक गौरवान्वित करने वाला पल ही कहा जाएगा 77वां स्वतंत्रता दिवस, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन, जिसका पूरे देशवासियों को इंतजार रहता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या कहेंगे। आज़ादी के महान पवित्र पर्व की सभी को न सिर्फ उन्होंने शुभकामनाएं दी, किस तरीके से देश अब विकास के पथ पर अग्रसर है इस बात को भी उन्होंने दुनिया को बताया। मोदी ने तीन गारंटी, पहली गारंटी दी देश आने वाले 5 सालों में 3 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। देखिए, बच्चे ताली बजाकर उनका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। तो कई बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कही हैं। इसी के साथ साथ दूसरी बड़ी बात कही, शहरों में किराए के मकानों में रहने वालों को बैंक में लोन की रियायत मिलेगी। तीसरी और बहुत बड़ी बात है, देश भर में 10,000 से बढ़ाकर 25,000 जन औषधि केंद्र को खोला जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त देखिए उन तमाम बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पूरे गर्मजोशी के साथ बच्चों से मिलते हैं और यही चीज़ें उनकी देखी जाती हैं, क्योंकि
ये यूएसपी प्रधानमंत्री की कहीं ना कहीं कही जाती है कि बच्चों से सीधे वो आत्मसात होते हैं। और देखिए किस तरीके से बच्चे एक साथ एक स्वर में प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार करते हुए और अलग ही जोश बच्चों में दिखाई दे रहा है। तो प्रधानमंत्री की ये खूबी है कि वह बच्चों को हमेशा से एक नए ऊर्जा से प्रेरित करते हैं, नई ऊर्जा का संचार बच्चों में करते हैं। देखिए किस तरीके से दोनों हाथ उठाकर प्रधानमंत्री आज बेहद ही खुश एक अलग अंदाज में आपको नजर आएंगे। सभी के साथ हाथ मिला रहे हैं, सभी का उत्साह वर्धन कर रहे हैं और देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, एक नया भारत दिखाई दे रहा है। एक अलग ही जेस्चर जो है प्रधानमंत्री की बॉडी में आपको नजर आ रहा है। और विशेष मेहमान कर्तव्य पथ के संसाधक को योग में भाजपा का खूबसूरत ताना बाना बनते हथकर का कारीगर या भारत मंडपम को एक खूबसूरत कलाकृति में तब्दील करते हुए हमारे यहाँ कहावत है, ओस ओस पर बदले पानी, चार ओस पर बानी, 1000 से अधिक भाषाएं, अलग अलग परिधान, हमारी सांस्कृतिक विविधता में एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और इन सबको एकता के सूत्र में बांधता लौह पुरुष के सपन का भारत बनाते माननीय प्रधानमंत्री, भारत जो एक है, भारत जो श्रेष्ठ है। बच्चों के बाद देखिए जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, तमाम बुजुर्गों से मुलाकात हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा एक लोकप्रिय नेता हैं, ना सिर्फ देश में बल्कि जो साख उनके देश में है वह विदेश में भी है। तो सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और सभी के चेहरे जरा आप देखिए, खिले हुए हैं सभी के चेहरे। हालांकि मौसम की बात कर लें तो फिलहाल गर्मी है, लेकिन प्रधानमंत्री से मिलना, उनकी एक झलक पाना किसी खुशी से कम नजर नहीं आता लोगों को। तो आज प्रधानमंत्री मोदी भी अपने संबोधन के बाद लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए सभी से मुलाकात की, बच्चों से मिले हैं, दर्शा दीघा में जाकर लोगों से मिले हैं। देखिए सभी किस तरीके से, ये मोदी का यूं कहे कि करिश्मा कहा जाता है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। वाकई प्रधानमंत्री मोदी का ये करिश्मा ही है, जब लोग उनको छूना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी भी पूरे जेस्चर के साथ, पूरी खुशी के साथ लोगों से मुलाकात करते हैं। तो सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए किसी को भी निराश नहीं करते, एक अलग ही चेहरे पर खुशी, एक अलग ही भाव भंगिमा प्रधानमंत्री मोदी की आज आपको नजर आ रही होगी। लोगों से हाथ मिलाते हैं, देखिए किस तरीके से बेहद खुश नजर आ रहे हैं लोग, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनको छूने के लिए लोग अपना हाथ बढ़ा रहे हैं और प्रधानमंत्री भी उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते आपको नजर आ रहे होंगे। तो देखिए खुशी सेल्फी लोग ले रहे हैं और प्रधानमंत्री पूरा समय उनको देते हैं। तो एक लोकप्रिय नेता की यही पहचान होती है, जो अपने देशवासियों की भावनाओं को समझे, और ये प्रधानमंत्री मोदी में बखूबी है। ना सिर्फ बच्चों की भावनाएं समझते हैं, वृद्धों को आगे रखते हैं, बल्कि लोगों का अभिवादन गर्मजोशी के साथ स्वीकार करते हैं। तो आज़ादी के रंग में देश इस वक्त डूबा हुआ है और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी लोग अपने मोबाइल में उनकी एक झलक को कैद करना चाहते हैं, उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। तो संबोधन करने के बाद, लाल किले की प्राचीर के बाद प्रधानमंत्री मोदी बच्चों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। दर्शक दीर्घा की हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दर्शक दीर्घा में पहुंचकर लोगों से मिल रहे हैं, लोग उन्हें छूना चाहते हैं, सेल्फी ले रहे हैं और सभी को पर्याप्त समय देते हुए प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए ये तस्वीरें बहुत सुखद हो जाती हैं जब लगता है कि देश का सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री लोगों से इस तरीके से जब मिलता है तो लोग उसको अपने भीतर अपने साथ ही पाते हैं, अपने जैसा ही पाते हैं। तो प्रधानमंत्री का ये खिला हुआ चेहरा, प्रसन्न मुद्रा, यही देखने के लिए लोग बहुत बेताबी से उनका इंतजार भी करते हैं।
जीत है। महात्मा का जयकार ही उनके जीवन का संगीत है। राष्ट्र की गौरव पताका इस संवाहक मेरे तन मन में, मेरी धड़कन में, मेरी सांस में तू आवाज रहे। मेरे तन मन में, मेरी धड़कन में, मेरी सांस में तू आवाज रहे। हो मेरा वतन सबसे पहले, मेरा सब कुछ तेरे बाद रहे, मेरा सब कुछ तेरे बाद रहे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है निर्बंधो विस्मारम, यानी कि स्वयं को श्रेष्ठ गुणों से, कर्मों से, स्वभाव से अलंकृत करना हमारा कर्तव्य है। और हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाए, कर्तव्य चेतना से ओतप्रोत करें, जागृत करें, ताकि देश एक नई बुलंदी को बढ़ सके। अनिल खुसरो ने तस्वीर की खूबसूरती बयां करते हुए कहा था, गर फिरदौस भर हुए जमीन अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। एक बात ये नया भारत है जहाँ हमारा कश्मीर G20 का मेजबान है, जहाँ हमारा कश्मीर G20 का मेजबान है, जहाँ बेटियों की गौरवशाली पहचान है, किसानों का ऊंचा सम्मान है, सैनिकों का बुलंद सम्मान है, और अंतरिक्ष की ओर बढ़ता हमारा चंद्रयान है, G20 के विश्व मंच से गूंजता हमारा कीर्तिगान है, क्योंकि हमारा शीर्ष नेतृत्व 140 करोड़ देशवासियों की पहचान। और आज वाकिफ है जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए अपमान से, मानव संवेदनाओं के राष्ट्र निर्माण के नए की स्तंभ कहता भारत, और नए भारत को नई दिशा दिखाने वाले इनकी जीवन यात्रा महाभारत की साधना है, समर्पण की गौरव गाथा है, हर शब्द जागरण का प्रेरणा खोज है। ऐसे स्वतंत्रता दिवस समारोह के बजाय स्थान करते हैं, एक बार से गर्व कीजिए कि हम भारतवासी हैं, वही हिंदुस्तानी जिसे आज पूरी दुनिया सम्मान देने के लिए दीक्षा रख रहा है।